तो ये देखिए हमारी भुट्टा की चाट की रेसिपी बनके तैयार है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भुट्टा चाट, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने एक टमाटर, एक प्याज बड़े साइज का, 2 से 4 हरी मिर्च और थोड़ी सी बीट और ये भुट्टा का दाना जो हमने वेट में लगभग 300 ग्राम के आसपास लिया है। अब एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे थोड़ी सी, उसके बाद खड़ा जीरा डालने के बाद थोड़ी सी इसे रोस्ट करके हम सारे भुट्टे दाने को डालेंगे। तो ये वेट में लगभग 300 ग्राम के आसपास है और उसी मात्रा हमने एक बड़े साइज का जो प्याज लिया था और एक बड़े साइज का टमाटर। तो इन सारे को हम अच्छे से पहले भूनेंगे क्योंकि इसका जो कच्चापन हमें निकालना है, क्योंकि चारों तरफ से इसे लगातार आप चलाते रहेंगे और आप चाहे तो इसे ढक कर भी पका सकते हैं, लेकिन ढकने के बाद इसमें थोड़ी सी मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगी, ये पानी हल्का हल्का छोड़ने लगेगा, इसीलिए हमने बगैर इसे कवर किए हुए पकाना है और चारों तरफ से इसमें इसे इसका रोस्ट करना है। तो ये देखिए आपको देखने से लग रहा होगा हल्का सा ब्राउन हो रहा है इसका कलर। तो इसी स्टेज पे हम अब हरी मिर्च जो हमने 3 से 4 काटा था उसे डालेंगे और उसके बाद हम बीट को डालेंगे, फिर प्याज को और उसके बाद फिर से हम इसे चलाएंगे। प्याज को फ्रेंड्स हम इसी प्रकार से लंबे शेप में काटेंगे ताकि इसमें चाट की रेसिपी में थोड़ी सी बढ़िया लगे। तो इन सारे को डालने के बाद हम इसे अच्छे से फिर से हम लगभग ये टोटल प्रक्रिया करने में फ्रेंड्स लगभग 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो ये देखिए हमारा प्याज कितना बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम प्याज सॉफ्ट होने के बाद इसमें नमक डालेंगे। यहाँ पे नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालेंगे। आप इस प्रकार के भुट्टे की रेसिपी फ्रेंड्स एक बार ट्राई ज़रूर करें अपने घर पर, बहुत ही टेस्टी बनता है ये, शायद इससे पहले आप इस प्रकार से बना के ना खाया हो। और ये भुट्टे के दाने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो भुट्टे के दाने थोड़े से ज़्यादा कड़ा हो तो आप चाहे तो उसे बॉयल करके इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे टमाटर ऐड करके फिर अच्छे से इसे मिलाएंगे। प्याज बीट मिर्च अच्छे से भूनने के बाद हम बाद में टमाटर को ऐड करेंगे और इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक फिर से पका लेंगे। तो यहाँ पे मीडियम टू लो पे पकाएंगे फ्लेम को करके। तो ये देखिए टमाटर भी हमारा कुछ कुछ सॉफ्ट हो रहा है, तो आप लगातार इसे चलाते रहेंगे। तब हम इसी स्टेज पे ये आधी चम्मच चाट मसाला और आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर, आप तीखा अपने कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो फ्रेंड्स। इसमें मसाले बस यही काफ़ी है, चाट मसाले और तीखी मिर्च पाउडर। तो इन सारे मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट और पका लेंगे ताकि हमारा मसाला भी अच्छे से भुन जाए। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये फाइनली हमारा फ्रेंड्स ये तैयार हुआ है। ये तो भुट्टे की चाट की रेसिपी बनके तैयार है। तब हम इसे सर्व के लिए निकालते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये बना है, बिल्कुल खिला सा, और सारे प्याज टमाटर भी कितने बढ़िया से पके हैं। तो आपको देखने से लग गया होगा ना बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है, और एक बार आप बना के खाएंगे इसे तो बहुत ही मज़ा आने वाला फ्रेंड्स। तो इस प्रकार की रेसिपी अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।